उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर जनपद में 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। आपको बता दें कि यह मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत 37,000 रुपए की है, जिसको भारत सरकार की एडिप योजना के तहत दिया गया है, तथा सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट का भी वितरण किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, रामगढ़ताल थाना प्रभारी अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि व दिव्यांग जन मौजूद रहे। कोई है साथ में उनके आगे है ना जो अपने घरों से निकलकर गोरखपुर महोत्सव 2021 का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, वो गोरखपुर महोत्सव की वेबसाइट पर जाकर इस महोत्सव का सजीव प्रसारण यानी कि उसको लाइव देख सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में गोरखपुर महोत्सव की गोरखपुर की जबरदस्त ब्रांडिंग इस वर्चुअल गाने का बहुत